कभी कभी मोमेंट ऐसे टाइम पे आ जाता है मार्केट में कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। आज के दिन 245 के बाद वही हुआ, और जो लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं, देखिए मोमेंट जब जब आता है 90% टाइम पकड़ लेते हैं, लेकिन आज के दिन दोस्तों कहीं ना कहीं डाउन साइड का मोमेंट ठीक है हम सुबह सुबह पकड़े थे। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के लिखा हूं यार, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करना है। क्योंकि आज के दिन दोस्तों तो अगर आपने नोटिस किया होगा कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी पूरे दिन साइडवेज रहा, 2:30 के बाद मोमेंट आया। निफ्टी को अगर आप देखोगे दोस्तों 245 के बाद मोमेंट आया बट पूरे दिन साइडवेज रहा। बट मैं मानता हूं आज के दिन कहीं ना कहीं जो मोमेंट था थोड़ा कन्विक्शन लेस था दोस्तों, इसीलिए वो मोमेंट को नहीं तो मैं हमेशा लेवल देता हूं, बट आज के दिन जो मैंने सेलिंग का लेवल दिया था जब वो टूटा थोड़ा इसे मोमेंटम दिया, मतलब स्केल्पिंग के लिए कहीं ना कहीं 15-20 पॉइंट ऑप्शन में मिल गया था, बट उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे फिर ऊपर गया, देन साइडवेज देन अपसाइड का मोमेंटम। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए दोस्तों मैं नहीं मानता कि इसमें मेरा कन्विक्शन ना हो, मैं कुछ भी लेवल दे दूं बस देना ही है बोल के ऐसे मैं नहीं देता दोस्तों, चाहे मैं अपनी गलती मान लेता हूं कि हां मैं नहीं दे पाया, बट मैं अगर कन्विक्शन नहीं हूं उस चीज पे तो मैं क्यों दूं। जिसमें कन्विक्शन है उस दिन जैसे मैंने दिया था 46,966 के ऊपर, अगर 2-5 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा आपके सामने वो प्रूव है तो बाय करो बोल के, क्योंकि मुझे कन्विक्शन था कि हाँ यार ये सपोर्ट है। और जैसे ही दोस्तों लेवल सेटअप बना ना, सेम सेटअप उसके बाद देखो क्या हुआ, क्या हुआ आप देख लीजिए, इसलिए मैं कह रहा हूं जाके ज्वाइन कर लीजिए। अब मंडे के दिन मिड कैप निफ्टी में क्या हो सकते हैं हम देखने वाले हैं दोस्तों, उसका प्रॉपर ऑप्शन चेंज करेंगे। क्योंकि सिंपल बात है, देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी मोमेंट दिया, सेंसेक्स भी आज के दिन ठीक है मोमेंट दिया, बट मिड कैप निफ्टी कंप्लीटली साइडवेज, कोई मोमेंट नहीं दिया, जो मोमेंट है वो बचा के रखा गया है मंडे के लिए। और अगर आप पूछ रहे हो कि भाई आप बस इस वीडियो में यही बताओगे कि भाई मिड कैप निफ्टी का, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी का, फिर निफ्टी का कहां बताओगे, भाई अगला वीडियो में लेके आ रहा हूं, आधे घंटे में मैं डाल दूंगा यार, प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, यही मेरा आपको रिक्वेस्ट है। और अगर आपने कोई भी कॉल पुट होल्ड किया है कमेंट कीजिए, कल के दिन भी जो लोग कमेंट किए थे सर मेरा कॉल होल्ड हुआ है, मैं खुलते ही मतलब बता दिया था, उससे पहले बता दिया था 8:40 के आसपास रिप्लाई दे दिया था सबको कमेंट में कि भाई कॉल होल्ड किए हैं, आज के दिन भी मार्केट गैप अप खुल रहा है, बेटर होगा कि कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि कुछ नहीं रहेगा, बाद में मोमेंटम आया बट इसीलिए मैं सेफ्टी के लिए बोला था कि आप बुक कर लीजिए। और जो लोग बोले थे कि पुट होल्ड किए उनको तो मैंने क्लियरली बोला था एग्जिट 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 बोल के लिखा था जो लोग पुट होल्ड किए, क्योंकि ट्रेंड अपसाइड है। अब जो लोग मेरी बात को माने वो चार्ट देख के उनको पता चल ही गया होगा आज के दिन, अब सबको पता है जो लोग जिनको रिप्लाई मिला है, तो इसीलिए यार कमेंट कर लिया करो। चलिए बात को सीधे आगे बढ़ाते हैं दोस्तों मिड कैप निफ्टी के एनालिसिस पे। और प्लीज यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आपका एक सब्सक्राइब ना मेरे दिल को लगता है, क्योंकि आप लोग जब सपोर्ट करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और आधे घंटे बाद मैं वीडियो डालने वाला हूं निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी का, आप तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक करके रखिए। तो बात करते हैं दोस्तों मिड कैप का, देखिए मिड कैप का सिंपल रखते हैं प्लान है, अगर मार्केट फ्लैट या फिर थोड़ा सा गैप अप खुला और उसके बाद अगर 10,328 के ऊपर सस्टेन करने लग गया ना, तब जाके दोस्तों हम क्लीनली एक कॉल बाय कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी क्या बोला था कि आज के दिन अगर यहां पे मार्केट साइडवेज हुआ है तो ये मोमेंट को बचा के रखा गया है, तो अगर मार्केट फ्लैट खुल गया मंडे के दिन सबसे बेस्ट सेटअप रहेगा दोस्तों बाय करने के लिए। ब्रेकआउट दिया 10,328 तो सीधा सीधा हम बाय करेंगे दोस्तों, क्लियर हो गया बात पूरे के पूरे। दूसरी बात प्लान बी क्या है, अगर मार्केट मंडे के दिन फ्लैट है फिर गैप डाउन खुला उसके बाद, प्लान है तो क्लियरली समझ में आ गया बाइंग का। प्लान सी बी क्या है, अगर लाइक फ्लैट है फिर गैप डाउन खुल के 10,284 अगर ये ब्रेक डाउन कर दिया तब जाके दोस्तों हम कहीं ना कहीं पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। इसके पीछे क्या रीजन है, पहला रीजन है दोस्तों ट्रेंड लाइन। अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन, एक बार यहां पे ट्रेंड लाइन को टच किया ऊपर की तरफ मूव किया, दूसरी बार टच किया ऊपर की तरफ मूव किया, तीसरी बार टच किया अगर आप देखोगे दो बार, और यहां पे ऑलमोस्ट 3 बार टच किया ऊपर की तरफ मूव किया, तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है लाइक मिड कैप निफ्टी। दूसरी बात पता है क्या, यहां पे आप देखिए दोस्तों एक लेवल क्रिएट हो चुका है 10,284 का, अगर आप देखोगे यहां पे एक बार सपोर्ट लिया ऊपर गया, दूसरी बार अगर आप देखोगे दोस्तों सपोर्ट लिया ऊपर गया, तीसरी बार भी अगर आप देखोगे यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है, तो 3 बार आज के दिन टेस्ट कर लिया।
तो अगर मंडे के दिन गैप डाउन खुला और ये ट्रेंड लाइन और ये लेवल ये टूट जाता है, तब जाके दोस्तों कहीं ना कहीं हम पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। क्लियर हो गया ये सारे चीज आपको? मिड कैप निफ्टी में 10,284 के नीचे हम पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, ठीक है। प्लान ए और प्लान बी क्लियर है। प्लान सी डिस्कस करते हैं, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो क्या होगा। देखिए, बहुत बड़ा गैप अप खुला तो दोस्तों सिंपल, मैं पहले पिछले 2-3 दिन से पहले बोल रहा था कि बस सेल ही करना है, और मार्केट ना थोड़ा सा अपना जो डायनेमिक है वो जो चेंज कर चुका है। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला तो न्यूट्रल व्यू रखेंगे, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा गैप अप खुला है तो जो भी लोग कॉल बाय करके गए हैं वो तो सेल ही कर देंगे और मार्केट नीचे आ जाएगा, ये पहले व्यू था। बट अब प्लान अलग है। अगर गैप अप खुला तो क्या होगा कि 9:15 से लेके 9:30 तक आपको वेट करना है। तो 9:15 से 9:30 तक कैसे मार्केट मूव करेगा? ऐसे साइडवेज मूव कर सकता है, पहला कंडीशन, या फिर ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, या फिर ग्रीन ग्रीन रेड एड से मार सकता है, या फिर नीचे आ सकता है, ऐसे ऐसे करके तीन कंडीशन ही होगा ना, उसके बदले तो कोई कुछ नहीं होने वाला। तो आपको करना क्या है, सिंपल बात है दोस्तों, 9:15 से 9:30 तक वेट करना है। मान लेते हैं इस टाइप का एक रेंज बनाया, उसका हाई उसका लो, जो रेंज का हाई लो मार कर देना है, और 15 मिनट के बाद अगर ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट दे रहे हैं और एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज दे रहा है मिड कैप में, तब कॉल बाय कीजिए। और उसके नीचे अगर बाद में 15 मिनट बाद अगर नीचे की तरफ रेंज टूट गया और लो टूट के एक 5 मिनट कैंडल क्लोज दे रहा है तो पुट बाय कीजिए। क्या रीजन है इसके पीछे मैं बोल देता हूं। देखिए, सिंपल रीजन है दोस्तों, जो भी लोग यहां पे कॉल बाय करके गए हैं ना, अगर मंडे के दिन गैप अप खुलेगा और 15 मिनट में मान लेते हैं ऐसे करके एक 5 मिनट में 3 कैंडल बनाया, ठीक है, आपने क्या किया, उसका लो आपने मार्क किया और उसका हाई आपने मार्क किया। उसके बाद जो भी लोग यहाँ पे कॉल को बाय करके गए हैं वो ये सोचेंगे कि 15 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद नीचे की तरफ 15 मिनट का नीचे की रेंज टूट जाता है, तो एक काम करते हैं भाई, जो भी हमें यहाँ पे बाय करके गए हैं तो उनको प्रॉफिट दिखा होगा, तो जो भी हम बाय करके गए हैं उसको हम सेल कर देंगे, कन्फर्मेशन मिल जाएगा, नीचे आ जाएगा बोल के। उसके बाद लोग सेल करना चालू करेंगे और मार्केट आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा। अगर क्या होता है 15 मिनट बाद ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज दे देता है, तो जो भी लोग यहां पे कॉल बाय करके गए हैं वो क्या करते हैं कि और कॉल को ऐड करने लगेंगे कि भाई गैप अप खुला है, ऑलरेडी जो लोग 10,350 पे ये सब कॉल को सेल करके बैठे हैं वो तो फंसे, जो कि ऑप्शन चेन में देखेंगे तो कॉल राइटर तो फंस गए, अब तो और ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट कर चुका और 15 मिनट गैप अप खुल के भी अगर प्राइस सस्टेन हो गया है तो और ऊपर जाएगा, तो और क्वांटिटी एड करने लगते हैं और एक शॉर्ट कवरिंग एरिया आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए दोस्तों न्यूट्रल व्यू रखते हैं, दोनों तरफ रखते हैं, जिस तरफ रेंज टूटा उस तरफ, ठीक है। अब चले जाते हैं दोस्तों, गैप डाउन खुलिया तो क्या होगा, अगर ह्यूज गैप डाउन खुला है यहां पे तो सिंपल बात है दोस्तों, देखिए मार्केट का ट्रेंड अप है, अगर गैप डाउन खुल रहे हैं तो क्या होगा दोस्तों, हमें बस डब्लू पैटर्न के लिए वेट करना है, या फिर अगर रेंज बना के ब्रेकआउट करता है तब भी हम बाय करेंगे, या फिर हायर हाई बनता है तब भी आप बाय करेंगे। क्यों? देखिए गैप डाउन खुलेगा तो इसके पीछे सिंपल रीजन है, अगर आप देखोगे नीचे तगड़ा सपोर्ट है, उसके नीचे और तगड़ा सपोर्ट है, तो जो भी लोग यहां पे सिंपली पुट बाय करके गए हैं दोस्तों वो तो गैप डाउन खुलते ही प्रॉफिट बुक करेंगे, यानी कि सेल पोजीशन बाय में कन्वर्ट होगा और मार्केट आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो अगर गैप डाउन खुला तो बाय की तरफ ही देखेंगे। क्लोज कहां पे दिया है, 10,300 पे क्लोज दिया है दोस्तों। अब आ चुके हैं निफ्टी में, बोल रहा था यार मिड कैप निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, देखिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए ये हमारे कॉल राइटर, ये हमारे पुट राइटर, आपको बहुत अच्छे से पता है, जैसे निफ्टी में 50-50 पॉइंट का गैप रहता है, बैंक निफ्टी में 100-100 पॉइंट का, ठीक है, ऐसे यहाँ पे 25-25 पॉइंट का गैप रहता है। क्लोज दिया है दोस्तों 10,300 पे, तो देखिए यहाँ पे 10,300 पे क्लोज दिया आज के दिन, कहीं ना कहीं अपमूव ना होते हुए भी दोस्तों कॉल राइटर भागते हुए दिखे, यानी कि सीधी सीधी बात है, डर तो लग रहा है, डर ही लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ उड़ने वाला है, -3 लाख -1 लाख सारे कॉल राइटर भागे, तो 10,300 के लेवल पे 3 लाख कॉल राइटर है, लेकिन ऊपर की तरफ हम देखें तो 10,325 पे 7 लाख कॉल राइटर, 10,350 पे 9 लाख कॉल राइटर और 10,375 पे 10 लाख कॉल राइटर, तो सबसे बेस्ट कॉल राइटिंग है 10,375 और उसके नीचे है 10,350। तो पहला व्यू, अगर 10,350 के ऊपर मार्केट निकलने लगता है तो शॉर्ट्स कवरिंग आना चालू हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे अगर आप देखोगे 10, 13, 11, 7 लाख कॉल राइटर सब भरे पड़े हैं, बट जो मेन गेट ओपन होना है तो वो है 10,350 के ऊपर, तब जाके आपको अच्छा खासा अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। नीचे की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 10,225 पे कहीं ना कहीं 9 लाख से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं, तो 10,225 के नीचे कहीं ना कहीं हमें डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे 9 लाख 28 हजार पुट राइटर ट्रेफ होने वाले हैं और उससे पहले 6 लाख 9 लाख हैं, बट
तगड़ा कहीं ना कहीं सपोर्ट दिख रहा है दोस्तों 10,225 पे, उसके नीचे अगर आएगा तब जाके हमें कहीं ना कहीं डाउनफॉल का मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी पापा को बहुत सारा प्यार दीजिए और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जाइए, क्योंकि यार अभी मैं लेके आ रहा हूं आधे घंटे में बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का वीडियो और निफ्टी का भी सारा एनालिसिस वहां पे रहेगा। ये तो फिन लाइक का फिन निफ्टी, देखो मेरे मुंह पे फिन निफ्टी रहेगा, ये तो मिड कैप निफ्टी का एनालिसिस था दोस्तों। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, टेक केयर, बाय।